which I religiously, religiously. Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. I know it has been ages per se, but in today's video, I'm going to be sharing my bedtime skincare routine with you all. So without further ado, let's get into the video. Okay, so the first step is micellar water. The one that I use is L'Oreal Paris ka Revitalift Crystal. तो मैं बेसिकली इससे थोड़ा बहुत मेकअप रिमूव कर लेती हूँ ताकि मेरा जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ यूजिंग अ क्लेंजर वो थोड़ा आसान हो जाए. और यहाँ पे मैं क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन फेशियल क्लेंजर एंड ट्रस्ट मी सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल देता है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज़ टोनर. द टोनर दैट आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट और ये उनका PHA टोनर है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा है. तो मैं ऐसे पाम पे लेके इसे बस थोड़ा बहुत टैप कर लेती हूँ अपनी स्किन में. आई डो नॉट लाइक यूजिंग द कॉटन बड सिचुएशन या जो लोग कॉटन बॉल्स बना के लगाते हैं, मैं बस इसको पैट करती हूँ अपनी स्किन में. द फोर्थ स्टेप विच इज़ द मोस्ट फेवरेट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजर. और मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रोजीना का ही, उनका हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल. ये बहुत लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है पूरी स्किन पे. आई मीन कैन यू सी दैट ग्लो भाई साहब, ये पूरी रात टिक सकता है आपकी स्किन पे, आई एम टेलिंग यू. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेप दैट इज़ द अंडर आई क्रीम. मैं ये यूज़ कर रही हूँ मॉम्स को की नेचुरल वीटा रिच अंडर आई क्रीम एंड इट इज़ गुड, इट वर्क्स वेल. Moving on to Vaseline, which is the final step of this situation, and we are good to go. So this was my bedtime routine, which I religiously follow. Why? Because it is very important. And this was it for today's video. I hope you guys enjoyed it. और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. And I will see you guys in the next one. Till then, bye bye.